ग्रेविटेशनल फील्ड, इंटेंसिटी ऑफ ग्रेविटेशनल फील्ड से पहले ग्रेविटेशनल फील्ड जानेंगे। तो ग्रेविटेशनल फील्ड जो है द स्पेस और द रीजन अराउंड विच या इन विच द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इज एक्सपीरियंस्ड। तो इंटेंसिटी ऑफ ग्रेविटेशनल फील्ड, जो अट्रैक्शन की इंटेंसिटी है, किस इंटेंसिटी से वो अट्रैक्शन करेगा, तो दैट इज इक्वल टू फोर्स पर यूनिट मास। तो आपका आंसर आ जाएगा जी एम अपॉन आर स्क्वायर। नेगेटिव साइन मतलब है अट्रैक्शनल फोर्स। तो इंटेंसिटी हमने स्मॉल जी की वैल्यू निकाली थी, तो इंटेंसिटी और स्मॉल जी की वैल्यू सेम है, दैट इज जी एम अपॉन आर स्क्वायर। सो उसका डायमेंशनल फॉर्मूला एम एल टी की फॉर्म में भी सेम होगा। तो नेक्स्ट टॉपिक इज ग्रेविटेशनल पोटेंशियल। तो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल जो होता है, जहाँ वो पोटेंशियल होता है जिसमें हम अगर किसी भी यूनिट मास को फ्रॉम इन्फिनिटी टू किसी पर्टिकुलर पॉइंट पर लेकर आते हैं, उसमें हमने कितना वर्क डन किया, कितना काम किया बिना एक्सेलरेशन के, तो दैट इज कॉल्ड ग्रेविटेशनल पोटेंशियल। तो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल अगर हम पी से या वी पी से डिनोट करते हैं, तो वर्क डन बाय यूनिट मास एम नोट, या एम नोट की बात करेंगे वन अपॉन एम नोट जी एम, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट होता है वर्क डन, इंटीग्रेशन ऑफ फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। तो दैट इज इक्वल टू जी एम एम अपॉन आर स्केयर इंटू डी एक्स, एम से एम, एम नोट से एम नोट कैंसिल, तो दैट इज ऑल्सो इक्वल टू माइनस जी एम अपॉन आर। ग्रेविटेशनल पोटेंशियल है तो वो भी एक अट्रैक्टिव ही है, क्योंकि आपका माइनस जो चार्ज आ रहा है वो माइनस है, नेगेटिव साइन है, तो मतलब इन्फिनिटी से उसके पास लाया जा रहा है, तो वो कुछ ना कुछ अट्रैक्शन तो उसमें फिर भी होगा। अगर ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी की बात करते हैं, तो जो वर्क डन है ब्रिंगिंग द बॉडी फ्रॉम इन्फिनिटी टू दैट पॉइंट विदाउट एक्सेलरेशन, मतलब जो बॉडी है उसका मास भी इसमें कंसिडर होगा, तो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी इज द प्रोडक्ट ऑफ पोटेंशियल एनर्जी एंड मास। तो जो फॉर्मूला होगा माइनस जी एम एम अपॉन आर आ जाएगा। अगर आर इंक्रीज होगा तो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी भी इंक्रीज होगी, क्यों, क्योंकि अगर आर इंक्रीज होगा, अगर आर के इंक्रीज होने से ये वैल्यू सारी डिक्रीज, बट नेगेटिव साइन है, नेगेटिव साइन की वैल्यू जितनी छोट मतलब इसकी वैल्यू इंक्रीज होने से ये जितनी कम होगी, तो उसके हिसाब से यू ऑल्सो इंक्रीजेज। अगर आर इन्फिनिटी हो जाएगा, वन अपॉन इन्फिनिटी जीरो, तो वो उतने ही जीरो के पास चला जाएगा, तो यू की वैल्यू भी जीरो। इसमें स्पेशल केसेस की बात करते हैं, अगर रेडियस आर वन और आर टू होंगी, तो जी एम एम वन अपॉन आर वन माइनस वन अपॉन आर टू की फॉर्म में होगा। अगर एक रेडियस ऑफ अर्थ हो और दूसरी उससे हाइट एच पे हो, तो आपका सॉल्यूशन चेंज हो जाएगा इसमें एम जी एच के इक्वल। तो हमारा जो पोटेंशियल एनर्जी है फॉर दैट केस इज मास इंटू ग्रेविटेशन इंटू हाइट एच। अगर हम पोटेंशियल एनर्जी की एट सेंटर ऑफ अर्थ की बात करें, तो दैट इज ऑल्सो इक्वल टू इन्फिनिटी, क्योंकि सेंटर ऑफ अर्थ पे आपका आर इज इक्वल टू जीरो, वन अपॉन जीरो इज इक्वल टू इन्फिनिटी। अगर यही हमें सिर्फ, अगर हम पोटेंशियल एनर्जी एट सेंटर ऑफ अर्थ रिलेटिव टू इन्फिनिटी करेंगे, तो हमारा जो, अगर हम यही सोचते तो यही है वन अपॉन आर, आर जीरो, तो आपकी पोटेंशियल एनर्जी भी जीरो। बट इन्फिनिटी एक पर्टिकुलर पॉइंट पे हम लेकर आए हैं, तो दैट इज नॉट द केस इन विच वन अपॉन आर इज इक्वल टू जीरो, तो हमारा जीरो हो जाए। तो हमारा जो केस होगा दैट इज यू इंटू एम इंटू वी ही, दैट इज इक्वल टू माइनस थ्री बाय टू जी एम एम अपॉन आर। वी इज इक्वल टू वी एट सरफेस के कंपैरिजन में सेंटर पे थ्री बाय टू ऑफ वी एस होगी, क्यों, क्योंकि जो मास है वो उसका फैक्टर चेंज हो जाता है बिकॉज ऑफ डेंसिटी। अगर हम पोटेंशियल एनर्जी को फोर्स की फॉर्म में लिखना चाहते हैं, तो दैट इज ऑल्सो इक्वल टू माइनस डी यू बाय डी आर। नेक्स्ट टॉपिक ऑफ आवर दैट इज सैटेलाइट। सैटेलाइट जो है वो कोई भी रिवॉल्विंग बॉडी है जो कॉन्टिन्यूसली किसी भी ऑर्बिट में कंपेरेटिव टू मच लार्जर बॉडी के रिवॉल्व करती है। तो वो हमारे दो टाइप के हुए, एक नेचुरल एक आर्टिफिशियल। नेचुरल जो बाय डिफॉल्ट बने हुए हैं, जैसे अर्थ का हम मून कहते हैं, ऐसे ही जुपिटर और सैटर्न के भी मून्स हैं। जुपिटर के 16 मून हैं और सैटर्न के 18। आर्टिफिशियल सैटेलाइट वो हैं जो मैनमेड हैं, जिसमें हमने बहुत सारे सैटेलाइट बना के अंतरिक्ष में छोड़े हुए हैं। तो दैट वन ऑफ द एग्जांपल इज इनसेट। ये भी दो तरह के होंगे, एक पोलर ऑर्बिट्स के अलोंग, जो पोलर जो हमारे पोल्स होते हैं उनके रिवॉल्व्स अराउंड करेंगे, तो उस रेडियस के अलोंग रिवॉल्व करेंगे, तो दैट इज पोलर ऑर्बिट्स। अदरवाइज जो दूसरे होंगे तो वो उसके जो इक्वेटोरियल ऑर्बिट्स कहलाएंगे।
तो जो भी सैटेलाइट रिवॉल्व करेंगे उनकी पर्टिकुलर ऑर्बिटल स्पीड होगी। जो ऑर्बिटल स्पीड होगी उसका नाम है मिनिमम स्पीड रिक्वायर्ड टू पुट सैटेलाइट इनटू गिवन ऑर्बिट अराउंड द अर्थ। अगर अर्थ के अराउंड हम सैटेलाइट को रिवॉल्व और रवाना चाहते हैं तो वो किस स्पीड से रिवॉल्व कर रहे हैं, उसकी मिनिमम स्पीड रिक्वायर करनी है। हमें कुछ स्पीड तो देनी पड़ेगी उसे कि वो उस ऑर्बिट में रिवॉल्व करे। तो उसके लिए हमें दो तरह के फोर्सेस होंगे, वो सर्कुलरली रिवॉल्व करेंगे तो सेंट्रिपिटल फोर्स, दूसरा है तो ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अर्थ से बाहर जाना चाहिए। तो दोनों फोर्सेस को इक्वल किया तो वहां से वेलोसिटी का फॉर्मूला आ जाता है रूट ऑफ जी एम अपॉन आर। और अगर जी एम की वैल्यू पुट करेंगे तो जी आर स्क्वायर है, तो वो आपका दूसरी फॉर्म में चेंज हो जाएगा। इसकी डायरेक्शन अगर निकालेंगे अलोंग टेंजेंट ऑफ द जो इंस्टेंटेनियस स्पीड में, अगर इंस्टेंट पॉइंट पे देखते हैं तो वो अलोंग टेंजेंट होगी, तो आर इज इक्वल टू स्मॉल आर, तो जो हमारी वी नोट है वो 7.92 किलोमीटर माइनस वन होती है। अगर टाइम पीरियड निकालते हैं तो 2 पाई आर बाई वी पुट करेंगे, आपका आंसर आ जाएगा 2 पाई, जो आपका आर क्यूब की फॉर्म में चेंज होता है। तो अगर डेंसिटी हम लेकर चले मास के अकॉर्डिंग तो डेंसिटी फॉर्म में पुट करेंगे तो आंसर आ जाएगा 84.6 मिनट। फॉर एल्टीट्यूड द फॉर्मूला इज एच इज इक्वल टू टी स्केयर आर स्केयर जी बाय 4 पाई स्केयर की पावर 1/3 माइनस आर। एंगुलर मोमेंटम जो भी आपकी एंगुलर स्पीड से रिवॉल्व करता है दैट इज रिप्रेजेंटेड बाय एल, दैट इज इक्वल टू एम वी आर। पुटिंग द वैल्यूज वी गेट द रिजल्ट एम स्केयर जी एम आर की पावर 1/2। एनर्जी ऑफ ऑर्बिटल सैटेलाइट, अगर टोटल एनर्जी निकालनी है तो काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी है। पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला हम पहले ही निकाल चुके हैं, माइनस जी एम एम अपॉन आर। काइनेटिक एनर्जी 1/2 mv² होती है, वी की वैल्यू पुट करेंगे तो 1/2 जी एम एम अपॉन आर आ जाएगी। टोटल ऐड करेंगे तो दैट इज इक्वल टू 2 जी जी एम एम अपॉन 2 r। अगर हम r को r प्लस एच में चेंज करते हैं तो r प्लस एच की फॉर्म में चेंज हो जाएगी। ये टोटल एनर्जी आपकी नेगेटिव में है, दैट इज ऑल्सो इक्वल टू बाइंडिंग एनर्जी ऑफ द ऑर्बिट या बाइंडिंग एनर्जी ऑफ द सैटेलाइट। एस्केप स्पीड, अगर मिनिमम स्पीड की बात करेंगे किसी भी बॉडी को प्रोजेक्ट करने के लिए हम वर्टिकली अर्थ से दे रहे हैं, दैट इज कॉल्ड एस्केप स्पीड। अगर उसकी वैल्यू निकालनी है तो हम काइनेटिक एनर्जी प्रोवाइड करते हैं, काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू 1/2 mv². ग्रेविटेशनल पोटेंशियल जो फोर्स है दैट इज इक्वल टू जी एम एम अपॉन आर। इक्वेट करेंगे तो आंसर आ जाएगा 2g√2gr, दैट इज इक्वल टू 11.2 किलोमीटर/सेकेंड फॉर अर्थ सरफेस। अगर हम सरफेस पे देखेंगे तो वो एस्केप स्पीड ज़्यादा होगी एज कम्पेयर टू जो आपके इक्वेटोरियल ऑर्बिट्स पे हैं, अगर सेंटर पे बात करेंगे उसके कंपैरिजन में। अगर न्यू वेलोसिटी देखेंगे उसी ऑर्बिट की जब वो स्पेस में चेंज चला जाता है तो उसकी वी डैश से डिनोट करेंगे, दैट इज इक्वल टू √v² − ve² तो अगर एस्केप स्पीड ऑफ सन याद रखनी है हमें, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है 618 किलोमीटर पर सेकेंड।